हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने ये गुलाब का फूल दिखाएंगे बनाकर, जो कि बहुत ही सुंदर है और बिगनर्स भी आराम से आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। इसको हम ऐसे नॉट बना लेंगे, इस तरह से एक नॉट बना के, और उसके बाद से हम ऐसे चेन बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से हमें 57 चेन्स बनाने हैं। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, 57 चेन्स बन गए हैं, यानी कि 57। अब इसको हमें क्या करना है कि जहाँ पे 6 चेन, छठा चेन है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। छठे चेन में हमें डबल क्रोशिया इस तरह से एक लूप लेकर बनाना है, इस तरह से बनाना है। फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसी छठे चेन के उसमें चेन में हमें एक और डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। देखिए, इस तरह से हमें बना लेना है। फिर देखिए, ये हो गया ना। इसके बाद हम इधर से काउंट करेंगे तीसरा चेन, 1 2 3। अब फिर से 2 चेन हमें स्किप करना है और तीसरे चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पे इस तरह से। और ये तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया जैसे हमने बनाया था इधर, उस तरह से बना लेना है। ये फिर से हमें 2 चेन लेना है, 1 और ये 2। 2 चेन लेके फिर से हमें इसी लूप में, इसी चेन में हमें एक लूप लेकर ये डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। फिर से हमें यहाँ से 3 चेन देखेंगे, 1 2 3, और तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेना है, फिर उसी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक ही चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन बीच में 2 चेन लेने के बाद ये देखिए वी शेप का बनते जाएगा। तो फिर मैं आपको यहाँ का पूरा बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारा बना लिया है। ये देखिए, सारा वी शेप, यहाँ तक वी शेप आया है सब पूरा। और ये लास्ट का बता देती हूँ, ये फिर से 3 चेन काउंट करना है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, इस तरह से। अब इधर भी हमें 6 चेन लिया था, तो उसमें ये जो 3 चेन हो गया वो 1 डबल क्रोशिया के बराबर हो गया और 3 चेन बीच का गैप हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी हो गया, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि अब थर्ड लाइन में यहाँ पे इस वाले ये वी शेप में, जो ये वी शेप है, इसमें हमें पहले 2 डबल क्रोशिया लगातार बनाना है, इसमें है ना। 1 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, 1 चेन 2 चेन। फिर से इसी वी शेप वाले छेद में हमें 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है, फिर से बना लिया 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से दूसरे वाले वी शेप में देखिए, ऐसे जा रहे हैं, इसमें नहीं बनाएंगे ये, इसमें जहाँ पे हमने 2 चेन बीच में लिया था, इस वाले लूप में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया लगातार बनाना है, एक साथ 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, 1 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। मतलब वी शेप वाले जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे बनाते जाना है। फिर से ये वी शेप में हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 दूसरा डबल क्रोशिया,
फिर से दो चेन, एक चेन, दो चेन, फिर से इसी में ही हमें एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए इसको हमें यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमने यहाँ तक लास्ट तक बना लिया है। सामने इस तरह से डिज़ाइन आएगी। देखिए कैसे किया है, पहले एक जो वी शेप के जाली में दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, ऐसे ही करते करते हमने सारा बना लिया है। देखिए इस तरह की डिज़ाइन आई है। और ये जो लास्ट में हमने ये जो एक ही चेन, एक ही डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें इस तरह से हमने जो छह लिया था, इसमें लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बिना लूप लिए हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। तो देखिए हमारा ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हो गया। अब हम इसमें से पलटी करके, अब ये जो वी शेप वाला जो फिर से आया है, जो दो डबल क्रोशिया के बीच में दो चेन ले रखा था, इसमें हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और एक बारह। 12 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद ये जो यहाँ पे जो हल्का सा गैप था जो हमने छोड़ा था, यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से स्लिप स्टिच बनाना है। फिर से ये जो दो चेन वाला गैप हमने छोड़ा था बीच में, दो डबल क्रोशिया के बाद जो दो चेन लिया था, उसमें हमें फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ डबल क्रोशिया, नौ डबल क्रोशिया, दस, ग्यारह, ये लास्ट 12 डबल क्रोशिया। 12 डबल क्रोशिया बन जाने के बाद देखिए फिर से ये जो यहाँ पे जो हल्का सा गैप है, जो यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप नॉट करना है, स्लिप स्टिच इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। करके दिखा रही ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा बना लिया है इस तरह से। ये लास्ट तक हो गया। ये देखिए इस तरह का शेप आएगा कुछ। ये देखिए इस तरह का शेप आया है। तो इसके बाद हम ये धागा को थोड़ा लंबा कट करेंगे यहाँ पे। फिर लास्ट में स्लिप स्टिच से वो बांध दिया है स्लिप स्टिच, फिर एक चेन लेके हम थोड़ा ये लंबा धागा कट करेंगे ताकि इससे ही हम सिलाई कर सकें। इतना धागा लंबा ले लिया है तो सिलाई वगैरह में जाएगा, इसीलिए हमने इतना ले लिया है। फिर इसको हम एक चेन यहाँ ले लिया था, इस तरह से बांध देंगे। बांध गया ये। अब हम इसमें धागा में सुई लगा के फिर इसको हम पहले इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसे फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ सिलाई करते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से फोल्ड भी करते जाना है और इसको इस तरह से सिलाई भी लगाते जाना है नीचे की तरफ इस तरह से। अभी हल्का हल्का बड़ा सा
करते जाना है इस तरह से। शुरू में हमने छोटा किया था, अब ये इस तरह से इस तरह से सिलाई करते जाएंगे तो हमारा फूल और ये पत्तियों को अच्छा से इस तरह से बैठाते हुए लेके जाना है ताकि सुंदर सा शेप में आए। तो ये देखिए, ये हमारा देख सके इसको हम तो एक बार और बांध लेते हैं। ये हमारा सुंदर सा शेप में, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है गुलाब का फूल। आपको कैसा लगे कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा।